डियर स्टूडेंट्स, कैसी चल रही प्रिपरेशन फॉर द सीएसआर नेट लाइसेंसेस? जैसे कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि यस, डेफिनेटली सीएसआर का जो एग्जामिनेशन है वो 15 जुलाई से पहले हो जाएगा, इसमें डाउट में मत रहो, क्योंकि उनको कुछ नहीं करना। पेपर वो एक या दो पेपर उनको बनाने हैं, सिटी वो डिसाइड कर चुके हैं कि आपका कहाँ पे एग्जामिनेशन उनको लेना है। अभी एक नया नोटिफिकेशन आया फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कि वो एक कमेटी अपॉइंट करने जा रहे हैं अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर के राधाकृष्णन, फॉर्मर इसरो चेयरमैन है वो, राइट? एंड दैट कमिटी इज गोइंग टू रिकमेंड सर्टेन नॉर्म्स और सर्टेन यू नो रूल्स टू द एनटीए, प्रिसाइजली टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड देन टू द एनटीए। और ये कमेटी बेसिकली क्या रिकमेंडेशन करके जाएगी कि भाई आप ये सर्टेन मेजरमेंट लो, राइट? ये कुछ मेजर्स लेते हैं और इसके कारण से पेपर लीक नहीं होगा। एंड दैट कमिटी यू नो going to give the recommendation to the Ministry of Education in next 2 months. तो कईयों को लग रहा है कि 2 महीने बाद CSR होगा। इस कमेटी का CSR examination से अभी कोई रिलेशन नहीं है, ये अपकमिंग examinations के लिए। मैं अभी आपको ये क्यों बोल के आ रहा हूँ, क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 days हैं, 15 days हैं। आपको लग रहा है 2 महीने बाद एग्जाम होगा, और अब तो मैं सो जाता हूँ, सारे PYQs दोबारा से लगाओ, नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन सीरीज जो आपको मिली है वो दोबारा से लगाओ, टाइम बिल्कुल नहीं है। ये आपको जो विंडो पीरियड मिला है दैट इज द मोस्ट क्रूशियल वन, इसको बिल्कुल वेस्ट मत जाने दो। सबसे अच्छी बात क्या है, हम बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे थे और अभी हमें और प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल गया, वो भी 20 दिन, 20 डेज बहुत होते हैं। अपनी प्रिपरेशन को खतरनाक करो, सिंपल सी बात है, 20 दिन मिल गया है मेरे को, मैं तो सारे नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन सीरीज करके जाऊंगा जो मैंने उस टाइम नहीं की थी। जो क्वेश्चन सर ने इम्पोर्टेंट लगाया मैंने तुमको बताया कि ये तो आएगा ही आएगा, बस वो करके जाना है, बस तुमको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए ये नोटिफिकेशन की है वैलिडिटी, मुझे पता ये नोटिफिकेशन आया है, बट ये इस एग्जामिनेशन के लिए नहीं है। इसलिए फोकस करो CSR नेट एग्जामिनेशन के ऊपर। ये सभी ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपॉइंट किए कि आप हमें बताओ हमें क्या करना चाहिए। द फर्स्ट स्टेप इज आप हमें बताइए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि पेपर सारे आउट हो रहे हैं। अब वो कमेटी डेटा साइंस यूज करेगी, साइबर सिक्योरिटी यूज करेंगी एंड कुछ रिकमेंडेशन करके जाएगी टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उनको अप्रूव करेगी एंड देन वो एनटीए का पार्ट हो जाएंगी और एनटीए को बोलेंगे भैया आप ये करके जाओ। इसलिए फोकस, ओनली 20 डेज है, मेरे तरफ से यही कहना है, बिल्कुल टाइम नहीं है तुम्हारे पास में, फोकस करेंगे, काम हो जाएगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।